इस बार आपको मेरे आने का पता नहीं चला पहले से दादा। क्या दरवाजा खुला हुआ था? आपका दरवाजा हमेशा खुला रहता था ना। तुम शूटिंग करने के लिए आए हो इस्तांबुल में? उधर से आ रहे हो? सीधा पाकिस्तान से आ रहा हूं। आपका भेजा हुआ लेटर बॉक्स मिला मुझे। लिखे हुए सारे खत पढ़े। मैं चीजें संभालते संभालते अब थक चुका हूं, इसीलिए भेजते। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। जिसम का वादा किया था ना, वो अनाउंस कर रहा है। तवक्को तो नहीं थी। फिर आप ठीक कहते हैं दादा। क्या मुझे अल्लाह से ताल्लुक और रूहानियत के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ कुछ मसला हो गया था क्या कि कई भी बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही। जिस तरह की बातें आप करते हैं मेरे से, इस तरह पहले तो नहीं करते थे। क्यों? मेरी गलती थी। आपको पता है मेरा अल्लाह से ताल्लुक कब टूटा था? दादा जब मुझे ये पता चला कि अल्लाह माफ नहीं करता। इतने खत लिखे, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मत कहो। कहने दीजिए दादा, कहने दीजिए। मैं भी अल्लाह के बारे में बात करना चाहता हूं। आप भी तो मेरे बारे में बात करना। मोमन नहीं, खत लिखे, दुआएं मांगे, लेकिन ना किसी खत का जवाब आया और ना कोई दुआ कबूल। He took Baba away from us. और हमारा घर टूट गया। मैंने इतनी बार अल्लाह से कहा कि वो बाबा को कहें कि वो मामा को माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं दादा कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी मामा से कि बाबा ने माफ नहीं किया उनको, अल्लाह ने माफ नहीं किया उनको। अल्लाह माफ करता है मोमन, हम इंसान माफ नहीं करते। ये तमाम घड़े जिनमें हम मौजूद थे, ये हमारे अपने खोदे हुए। मैं अल्लाह को माफ करते नहीं देखा दादा। मैंने देखा है। तुम्हें पता है कि गुनाहगार कौन था, किसने माफ नहीं किया? मैंने। दादा खोलो। ये क्या है? खुद देखो।
आज कल्बे मोमिन पैदा हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए इसकी खातिर।